3:02 पे क्यों ऑनलाइन थे यार, बॉस से बात कर रहा था। बस रैंडम मैं बॉस से बात करके आई हूँ, अभी उन्होंने बोला मुझसे कोई बात नहीं कर रहा था। अरे झूठ मत बोलो, तुम तो ऐसे ही हो, एक नंबर के छींचो और इंसान अपनी सेक्रेटरी से बात कर रहे होंगे। रुको तुम वहीं आ। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में। ठीक है मैडम जी। तो जैसा कि बच्चों हम जानते ही हैं, हमारे पूर्वज बंदर थे। तमीज से बात करो, आप कहोगे बंदर, हमारे तो चौधरी थे। चल निकल क्लास से, मुर्गा बन जा, सूखा या तरी वाला। निकल। सुनो। हाँ क्या है? मुझे रात को बहुत डर लगता है, तुम मेरी तरफ मुंह करके सोया करो। अपनी अपनी परवाह है बस, तुम तो किसी तरह बच जाओगी, पर मेरा क्या, तुम्हें बिना मेकअप के देख के मेरी हालत बुरी हो जाएगी। जो कहा कुछ चुड़ैल औरत, कुछ नहीं, अपन रहते हैं सख्ती से, अपन ऐसे पिघलते नहीं है, एटीट्यूड में रहते हैं अपने। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहां में पिघल गया। वे मैं नी भी नी पाई जट्टा काली ही, वे तू हौली हौली कर दे मनाली, तू दिल नेड़े आके देख ले। हर साय उत्ते नाम बोले, जितना दिमाग इस गेम में लगाते हो ना, इतना दिमाग किसी जॉब में लगा लेते, कम से कम नल्ले तो ना होते। तुम्हें पैसे लाके तो देता हूँ ना घर में, चाहे चोरी करके लाके दूं। दूर नल्ला कहीं का। चलो ये सब छोड़ो, ये बताओ खाने में क्या बना है? जितना तुम कमाते हो उसमें मुर्गे तो बनने से रहे। तो बनाया क्या है? बैंगन की सब्जी। छी। क्या छी? तुम्हें पता है जो रोज रोज बैंगन खाते हैं वो अगले जन्म में गधे बनते हैं। ये तो तुम्हें पिछले जन्म में सोचना चाहिए था। अपने आप को मेंटेन करके रखते हैं, ये नहीं कि कोई सामने से बोल रहा है मोमोज खा लो तो खा लेंगे, नहीं, नो, पूरा प्राण लेते हैं, ठीक है, डाइटिंग पे बिलीव करते हैं। ओए तू समोसे खाएगी? साइड में ना थोड़ी सी हरी चटनी भी डाल दियो, ठीक है? हाँ तुम्हें क्या कह रही थी? चीपो, ए, क्या हुआ? तेरा बाप, ओके? क्या? मैं भी गाली दे सकती हूँ, समझी? ए लड़की, पीछे हट, तू जानती नहीं कि मैं कौन हूँ? अबे, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? अरे पीछे हट ना, चल बहन। तुम ना ज्यादा बकवास ना क्या करो, मेरे साथ झाड़ू से मार मार के मुंह सुझा दूंगी तुम्हारा। हाँ जैसे मैंने तो बहुत चूड़िया पहन रखी है, ऐसा मुंह पे बैठ मारूंगा चपाती बन जाएगा पूरा। क्या चपाती है ना पहले, दरवाजे पे देखो कौन है। जा रहा हूँ जा रहा हूँ। क्या हुआ, कौन है? एक कुत्ता है, भूखा लग रहा है, रोटी दे दो इसे, खिलानी है। रोटी तो दूसरा कुत्ता खा गया। कौन सा कुत्ता? तुम। इस कुत्ते को कुछ तो खिला के भेजूंगा, मेरा लठ उठा के ला। उससे तो तुम्हारी छिताई हो गया, आजादे बोल रहे हो तुम। नहीं नहीं, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, मुझे नहीं रहना यहाँ, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, टॉयलेट भी नहीं है, बाथरूम भी नहीं है, इतने से कमरे में क्या करेंगे हम? नहीं नहीं मैडम, जो दिख रहा है वो नहीं है अभी। क्या नहीं दिख रहा, मुझे सब दिख रहा है, इतने से कमरे में मैं क्या कर लूंगी? अरे मैडम जी सुन तो लो, न पैर डाल सकते न सो आ सकते, इतने सबने देखे थे, 2x2 का कमरा दिलवा दिया आप। अरे लेकिन मुझे मेरे 25,000 रुपए दो बस। गवां लड़की, लिफ्ट है, तेरा कमरा तीसरे फ्लोर पे है। ये लिफ्ट है? माँ मेरे साथ कोई और भी है। कौन है ये? कौन है? जेनिफर। हाँ। घर से भाग के आई है? चीची माँ ये ऐसी लड़की नहीं है, मैं ऐसे भगा के लाया हूँ। ये शर्ट आप पे बहुत अच्छी लग रही है। थैंक्स, लेकिन वो डायमंड का सेट नहीं दिलाने वाला। तो मैं भी सिर्फ शर्ट की ही तारीफ कर रही हूँ, शक्ल तुम्हारी पहले जैसी है, कुत्ते जैसी। अच्छा एक बात सुनिए। हाँ बोलो। शादी से पहले आप इतना मंदिर जाते थे, भगवान पे विश्वास करते, अब क्या हुआ? फिर तुम जैसी पत्नी मिल गई, इन सब चीजों से विश्वास उड़ गया। कुछ कहा आपने? प्लास क्यों, मजाक था। पागल हो गए, इतनी सुबह सुबह क्यों मेकअप कर रही हो आज? नहीं वो फोन में ना फेस लॉक लगाया था, अब फोन मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है, खुल ही नहीं रहा। मेकअप उतारने के बाद तो मैं भी नहीं पहचान पाता, फोन बेचारा क्या पहचानेगा। अच्छा चल नाश्ता करने चलते। ए चलना यार। hey guys, मैं बताऊंगा किसी को भी उठाने के 3 तरीके जो कभी फेल ना हो। तरीका नंबर 1, सब्जेक्ट के शरीर के बाल पे सेलो टेप लगाओ और खींच दो। मैन बना के लिए जाए, गर्लफ्रेंड बना के, जैसे तू ठीक समझे, मैं ओपन माइंडेड हूँ। ओ 1.5 महीने बाद ना मेरी शादी है। ओ पार्टी इतनी लंबी नहीं चलने वाली, आज रात तक खत्म हो जानी। कितने बजे? तुम लड़कियां इतनी खूबसूरत क्यों होती हो? क्योंकि खुदा ने हमें अपने हाथों से बनाया है। कह तो ऐसे रही हो जैसे हमें ठेके के मजदूरों से बनवाया हो। अच्छा सुनिए ना। हाँ बोलो।
आपको मेरी सुंदरता ज्यादा पसंद है या मेरे संस्कार? मुझे तो तुम्हारी मजाक करने की आदत पसंद है। बेटे तुम्हारी शादी की मुझे आजकल बहुत चिंता रहती है। कितनी उम्र तक की लड़की चाहिए तुम्हें? वही माँ 30-32। अच्छा 30-32 की नहीं मिली बेटा तो 16-16 की दो ले आना। कमीने 50 कमाती हूँ। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुमने ऐसा कौन सा तीर मारा है कि तुम्हारी शादी इतनी धूमधाम से हो रही है और डाउरी में तुम्हें गाड़ी मिल रही है? मैं लड़का हूँ। रियली? तो हवा पागल तुम खैर हम प्यार दोस्ती अंजलि शर्मा शर्मा ये अंजलि शर्मा कौन है? बस बहुत हो गया, मैं तंग आ गई रोज रोज की किच किच से। मुझे डिवोर्स चाहिए बस। एक सेकंड रुको, लो चॉकलेट खाओ। मना रहे हो मुझे? नहीं रे पागल, माँ कहती है शुभ काम से पहले कुछ मीठा खा लेना चाहिए। ज्यादा चिल्लाओ मत, एक रपटा दूंगा ना सारा जोर निकल जाएगा। रपटा? हाय कितना रोमांटिक वर्ड है, मैंने पहली बार सुना है। तुमने कहाँ से सीखा ये रपटा? सुनिए मछलियों का खाना किधर है? देखिए ये तो मैं बताना ही भूल गई, मछलियों के पेट में। एक बात कहें अगर आप बुरा ना माने तो? हाँ कहिए ना। ऑकवर्ड नहीं होता, ऑकवर्ड होता है। ऑकवर्ड बोला हमने? ओ ओ क्वर्ड कबर्ड कबर्ड। तुम्हारे साथ रहकर सुनो जरा। हाँ बोलो। तुम पूरा दिन काम करती हो यार। हाँ तो तुम करोगे क्या? नहीं नहीं मैं तो नहीं करूंगा, लेकिन तुम इतना काम करती हो ना, सच बताऊं मुझसे देखा नहीं जाता। तो मैं नहीं करूंगी, कौन करेगा? मैं सोच रहा था एक भाई रख लेते हैं। बिल्कुल नहीं। अरे रख लेते हैं ना। कहाँ ना नहीं रखनी। परेशानी क्या है इसमें? परेशानी तुम्हारी आदत है अच्छी तरह से जानती हूँ, भूल गए मैं भी एक भाई थी। अच्छा एक बात सुनो, अब मैं दूसरा काम नहीं करूंगा, मैं बहुत थक गया करके, बस लेटूंगा मैं। यार मैं काम को नहीं बोल रही हूँ, इतनी भी जालिम नहीं हूँ, 5 मिनट बात कर लेना काम तो। और हाँ तो फिर क्या है, मरने के बाद ऊपर जाके तुम लोगों को तो अप्सराएं मिल जाएंगी, हमें क्या मिलेगा? जैसी तुम्हारी हरकतें हैं उस हिसाब से वो बंदर मिलने चाहिए। ये तो गड़बड़ हो गई, तुम्हें तो यहाँ भी अप्सरा वहाँ भी अप्सरा, और हम यहाँ भी बंदर वहाँ भी बंदर। बाजी नहीं हरी। हेलो हेलो जी अंकल नमस्ते। कौन? मैं कौन? वो तो आपको बताओगे, आप कौन? सिंगल है? क्यों मैं डबल लगती हूँ? कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? होते रहते हैं पर परमानेंट कोई नहीं। डर के मारे भाग जाते? पट्टू है गाइस, अपने से ज्यादा एम्बिशियस औरत को झेल नहीं पाती। मतलब तो सिंगल मरेगी एक्सपेंसिव हॉस्पिटल। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ।